का महत्व या इम्पोर्टेंस। अब आप वित्तीय विवरणों का डेफिनेशन समझिए, टाइप समझे, कौन से पब्लिश होते हैं कौन से पब्लिश नहीं होते ये समझ लिया, फिर इनकी नेचर समझ ली। तो अब नेचर के साथ तो क्या होता है, अपने आप ही पता चल जाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। तो किसी चीज़ों के बारे में नेचर समझ में आ जाने पर आपको वैसे ही पता चल जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट।